हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की। टैली प्राइम में नया क्या है, खास क्या है, क्या सिखाने वाला हूं, आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन कर ले। तो ये ओपन कर ली हमने अपनी टैली फाइल, जहां पर एक कंपनी महिंद्रा लिमिटेड बनी हुई है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक और काम करना होगा, आपको अपनी एक्सेल फाइल भी ओपन कर लेनी है, ठीक। एक्सेल फाइल को ओपन करने के बाद अब हम क्या चाहते हैं वो आपको बताता हूं। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हम एक बार में जो लेजर क्रिएट करते हैं, जैसे कि कुछ लेजर्स मैंने पहले से क्रिएट कर रखे हैं, मैं उनको अल्टर करके आपको दिखाता हूं। यहां से चलते हैं लेजर्स पे और यहां पर आ जाते हैं। तो अभी यहां पर एक डेटर पार्टी है हमारे पास, अविनाश डी करके मैंने बनाया, डी यानी डेटर पार्टी के लिए सिंबल दे दिया मैंने। तो यहां पर देखेंगे अविनाश डी के नाम से एक लेजर क्रिएटेड है पहले से, ठीक है, संडी डेटर ग्रुप है इसका। अब हम ये चाहते हैं कि अविनाश डी के ही नाम से एक दूसरा लेजर क्रिएट किया जाए। अब जैसे ही आप दूसरा लेजर क्रिएट करने जाते हैं तो क्या होता है वो आपको दिखा देता हूं। देखिए, यहां पर आए, अब यहां से क्रिएट पे चलते हैं, नया लेजर क्रिएट करते हैं और वो भी होगा अविनाश डी के नाम से। तो ये लिखा मैंने अविनाश, लिखता हूं एंटर प्रेस करता हूं। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो टैली आपको डुप्लीकेट एंट्री अलाउ नहीं करता है। देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। तो ऐसे स्थिति में आप लेजर बनाएंगे कैसे? तो इसका एक विकल्प ये हो सकता है कि आप ये जो नाम है ना, इसको एक्सेल पर टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर एक्सेल ओपन कर लिया मैंने और यहां पर आप नाम वो टाइप कीजिए, ठीक है। तो यहां पर टाइप कीजिए अविनाश, ओके। तो ये मैंने टाइप किया अविनाश, तो यहां पर मैंने टाइप कर दिया है अविनाश और फिर टाइप कर दिया है डी। अविनाश डी लिखने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए और इसी को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया मैंने। अब कॉपी करने के बाद क्या करना है, कॉपी करने के बाद सीधा चलना है यहां पर, ठीक है। अब ये जो डुप्लीकेट एंट्री दिखा रहा है यहां पर आ जाइए और ये जो आपने लिखा है अविनाश डी, इसको हटा दीजिए, ठीक है। ये मैं हटा देता हूं, ठीक है। हमसे ये सवाल भी पूछा गया है कि डुप्लीकेट लेजर बनाएंगे कैसे। तो ये हो गया अविनाश डी। अब एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और इसका जो भी ग्रुप हो, जैसे संडी डेटर हमने डाला था पहले बार में, तो ये संडी डेटर ही कर देते हैं हम इस बार। तो ये देखेंगे कि आपका लेजर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब ये अविनाश डी के नाम से लेजर बन गया आपका, आई बात समझ में। अब ये जब जाएंगे तो दो दो अविनाश के नाम से दो दो लेजर दिखेंगे आपको। यहां पे देखिए अविनाश डी देख सकते हैं, दोनों ही लेजर सेम है। इसी तरीके से कोई और लेजर बनाना हो तो उसको भी ट्राई कर सकते हैं। एक बार लेजर में चलते हैं, देख लेते हैं और कौन सा लेजर है हमारे पास। जैसे सपोज कीजिए सीजीएसटी का लेजर हमें बनाना है, ठीक है। तो यहां पर आ जाते हैं लेजर क्रिएशन वाली विंडो पर, यहां पर आकर के और यहां से लेजर क्रिएट करते हैं हम। तो यहां पे मैं लिखता हूं सीजीएसटी, तो बिल्कुल जैसा लिखा सीजीएसटी। तो यहां पर जैसे ही टाइप करेंगे तो देखिए सीजीएसटी पहले से मौजूद है। तो आपको सिंपली वही काम करना है, यहां पर जाना है एक्सेल में और यहां पर टाइप कर दीजिए सीजीएसटी, ठीक है। ये टाइप कर दिया, एंटर प्रेस कीजिए, यहां पर आ जाइए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए और अब इसी चीज को यहां पर आकर के कर दीजिए पेस्ट, ओके। तो ये हटा दीजिए और यहां पर करिए कंट्रोल वी, ये हो गया। अब एंटर प्रेस कीजिए इसका ग्रुप जो है ड्यूटीज एंड टैक्सेस रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि जीएसटी का लेजर जो भी बनता है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत बनता है। लेकिन अभी यहां पर हमने जीएसटी चालू नहीं किया है, तो पहली प्राथमिकता तो ये होगी कि जीएसटी चालू कर लिया जाए। तो यहां से जाकर के पहले जीएसटी ही चालू कर लेते हैं, टीडीएस को ऑफ कर देते हैं, ये जीएसटी चालू कर देते हैं। तो ये जीएसटी चालू कर दिया मैंने, ये यहां पर आए, एंटर प्रेस किया, यहां पर आए। इसको अल्टर करना बहुत जरूरी है, तो वाई प्रेस करके इसको अल्टर कर लीजिए और अल्टर करने के बाद कंट्रोल ए कर दीजिए, बस इतना काम हो गया। अब आपका जीएसटी भी कैलकुलेट होकर आएगा। तो यहां से बाहर आ जाइए और अब देखेंगे ऊपर जीएसटी शो करने लगा है, जो पहले नहीं शो कर रहा था। तो यहां से जीएसटी कर दीजिए, सेंट्रल टैक्स कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, इसको करा लीजिए एक्सेप्ट, हो गया काम। यानी सीजीएसटी का दो लेजर आपको दिखेगा। अब चलते हैं अल्टर पर, एक बार देख लेते हैं कि दो लेजर दिख रहा है या नहीं। तो यहां पर आ गए हैं अल्टर पर और यहां पर लेजर्स पे चलेंगे। लेजर्स पे जैसे ही आएंगे तो यहां पे मैं टाइप कर देता हूं सी। तो जैसे ही टाइप करेंगे तो देखिए ना, सीजीएसटी का दो दो लेजर दिख रहा है। क्या तीन लेजर भी बन जाएगा? एक बार चेक कर लेते हैं। जो तरीका मैंने बताया उससे तीन लेजर नहीं बना सकते आप, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां लेजर पे आते हैं, ये लेजर पे आ गए और यहां पर अब सीजीएसटी टाइप करते हैं, लाइक सीजीएसटी, ये लिखा मैंने सीजीएसटी और एंटर प्रेस किया। तो ये डुप्लीकेट लेजर तो ये बताएगा ही, लेकिन फिर वही ट्राई करते हैं, यहां पर वापस से आते हैं एक्सेल पर और यहां पर टाइप करते हैं सीजीएसटी, ठीक है, देखते हैं क्या होता है, बनता है या नहीं। तो ये लिखा मैंने सीजीएसटी, एंटर प्रेस किया, यहां पर आए, कंट्रोल सी से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसको यहीं पर ले करके डाल देना। अब आप ये लेजर नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि दो बार आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है, तीसरी बार नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये कर दिया हमने,
और जैसे ही करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तब आपको ये दिखाएगा डुप्लीकेट एंट्री, क्योंकि आपने एक्सेल में ये पहले आप एक्सेल में कर चुके हैं, इसकी वजह से ये ऐसा दिखा रहा है। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।